गुड मॉर्निंग टू ऑल दिस साइड जो साइंस सर और एम के सर गोइंग टू स्टार्ट अ डिस्कशन ऑन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, इसके थ्योरी, इसके प्रोसीज्योर और क्या क्या टेक्निक्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीज्योर, ड्यूरिंग द प्रोसेस, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम टुडे वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग द टेस्ट ट्यूब बेबी इज। डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, टुडे वी डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे क्या होता है, इसमें ये चीज को हम समझेंगे। ड्यू टू द डिमेरिट्स इन द केस ऑफ मेल एंड फीमेल, आइदर इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके कारण टेस्ट ट्यूब का सहारा लिया जाता है। ओके, टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा जाता है, टेस्ट किया जाता है कि एक्चुअली इन केस ऑफ फीमेल द ओविडक्ट्स आर ब्लॉक्ड। ओविडक्ट्स बोलिए या फिर फॉलोपियन ट्यूब बोलिए, दैट इज द इमेज ऑफ फॉलोपियन ट्यूब। ओके, दैट इज ओवरी, दैट इज फिम्ब्रिय, दैट इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एंड दैट इज फॉलोपियन ट्यूब। ओके, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फॉलोपियन ट्यूब में ही होता है। एक मार्क्स में कहीं पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, देन वी राइट फॉलोपियन ट्यूब। बट द टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है कि फीमेल के जो ओविडक्ट्स होते हैं ब्लॉक्ड हो जाते हैं और स्पर्म जो है वो फॉलोपियन ट्यूब के पास नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, जो स्पर्म अगर फर्टिलाइजेशन के लिए नहीं पहुँचेगा तो जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा, जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो बेबी का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन टारगेट क्या, फादर और मदर जो है उनको क्या चाहिए, बेबी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी में, फर्स्ट ऑफ ऑल ही और सी रिमूव द एग्स फ्रॉम द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो एग्स होते हैं उसको रिमूव किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ नीडल, बाय द हेल्प ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। इसके मदद से क्या किया जाता है, एग्स को रिमूव किया जाता है और कहाँ रखा जाता है, इनक्यूबेटर में रखा जाता है। उसके बाद द हस्बैंड स्पर्म जो होते हैं या फिर डोनर जो हस्बैंड जो होते हैं या फिर डोनर मेल बोल सकते हैं, ओके, तो उसके जो स्पर्म्स होते हैं उसको भी क्या कहता है, लेके फ्यूज कराया जाता है एग्स के साथ। और जब फ्यूज होता है तो फर्टिलाइजेशन होगा तो जायगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के लिए 2 से 3 घंटे छोड़े जाते हैं और जायगोट जो होता है अबाउट अ वीक जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। जब जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है देन जायगोट को लेके कहाँ रखा जाता है, उसको यूट्रस में प्लेस कर दिया जाता है, मदर के यूट्रस में। देन बेबी का फॉर्मेशन जो है वो चालू हो जाता है लाइक अ नॉर्मल मदर। ओके, जो नॉर्मल मदर्स होते हैं जैसे उनके बच्चे जो यूट्रस में होते हैं, उसी प्रकार से टेस्ट ट्यूब बेबी में भी जायगोट के फॉर्मेशन के बाद यूट्रस में प्लेस कर दिया जाता है। और ठीक उसी प्रकार से वो भी बच्चा होता है जैसे कोई नॉर्मल मदर्स का जो बच्चा होता है, उसी प्रकार से टेस्ट ट्यूब बेबी भी होता है। इसमें कोई भी प्रकार की कोई परेशानी की बात नहीं है। अब हम समझेंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या क्या चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, उन सब बातों को भी हम एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझेंगे। ओके, तो डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा परफॉर्म्ड इंडिया फर्स्ट सक्सेसफुल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, IVF इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हम लोगों ने बात किया कि एग को रिमूव किया गया, स्पर्म के साथ फ्यूज किया गया, जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और वी कैन से दैट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दैट इज IVF इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके, दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दैट इज आउटसाइड द बॉडी। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट दिस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द टेस्ट ट्यूब बेबी। सेकेंड पॉइंट इज दैट दुर्गा एका कानुप्रिया अग्रवाल इज द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया। ओके, सी इज द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया, इट इज एक्चुअली फीमेल, नेम ऑफ द फीमेल। नाउ इन केस ऑफ वर्ल्ड, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो इन वर्ल्ड लुइस जॉय ब्राउन द वर्ल्ड फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। ओके, BABY। ओके, नाउ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके जनरल साइंस में भी ये काम करेगा। ओके, तो आप याद रखेंगे दुर्गा एका कानुप्रिया अग्रवाल इज द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया एंड इन वर्ल्ड लुइस जॉय ब्राउन द वर्ल्ड फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। नाउ वी डिस्कस द सम अदर पॉइंट रिगार्डिंग द टेस्ट ट्यूब बेबी, जो आपको एग्जाम में लिखना है, जो एक्सप्लेनेशन अभी हम डिस्कस करेंगे वो आपको एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द अदर पॉइंट्स। Explanation in that in some female oviducts that is also called fallopian tube are blocked. Okay, so these women are unable to bear babies.
ओके, फ्लोपियन ट्यूब के ब्लॉक होने के कारण वुमेन जो है बच्चे को पैदा नहीं कर सकती है, बिकॉज स्पर्म कैन नॉट रीच द एग, स्पर्म कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि स्पर्म जो है वहां पे नहीं पहुंच सकता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। देन डॉक्टर कलेक्ट द फ्रेशली एग, देन डॉक्टर क्या करता है फ्रेशली एग को कलेक्ट करता है बाय द हेल्प ऑफ नीडल, बाय द हेल्प ऑफ वैक्यूम ट्यूब, ओके, फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फॉर IVF, ओके, आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। देन जायगोट टेक्स अबाउट अ वीक फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, जायगोट को जो है डेवलपमेंट होने में एक सप्ताह का समय लग सकता है। ओके, नाउ इट इज रेडी टू, जब जायगोट बन गया, फॉर्मेशन हो गया, इट इज रेडी टू प्लेस्ड इन द मदर्स यूट्रस एंड बेबीज बॉर्न, दिस टेक्निक इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। ओके, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द टेस्ट ट्यूब बेबी। नाउ इससे रिलेटेड एक होता है सैरोगेट मदर, सैरोगेट मदर किसको बोलते हैं, होता क्या है कि जैसे कि इसमें क्या किया गया कि एग्स को रिमूव करके स्पर्म के साथ फ्यूज करके, ओके, चाहे वो हस्बैंड का स्पर्म हो, चाहे वो डोनर हस्बैंड हो सकता है, डोनर मेल हो सकता है, ठीक है, तो उससे फ्यूज करने के बाद उसके जो जायगोट थे वो उसी माँ के यूट्रस में डाला गया बेबी के फॉर्मेशन के लिए, बेबी का ग्रो होने के लिए। अगर ये स्पर्म और एग को फ्यूज कराकर किसी दूसरे फीमेल बॉडी में रखा जाता, ऐसा होता है अक्सर कि जो बड़े बड़े घर के फैमिलीज होते हैं, चाहे वो मॉडल्स हो, हीरोइन हो, तो उनके ब्यूटीज़ कम ना हो, सुंदरता कम ना हो, क्योंकि बेबी के बॉर्न होने के बाद जो सुंदरता आती थोड़ी कम हो जाती है, तो ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि दूसरे किसी डोनर फीमेल के यूट्रस में डाल देते हैं ताकि उनका जो एग है और जो स्पर्म का फ्यूज हुआ तो वो दूसरे किसी फीमेल के यूट्रस में डाल देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है फिर उनको रखते हैं अच्छे से, प्रॉपर गाइडेंस करते हैं, और जब बच्चा तैयार होता है, जब बच्चा 9 महीने का बॉर्न होता है, 9 महीने के बाद जब बॉर्न होता है, आफ्टर 9 मंथ या 9 मंथ से कुछ 20 डेज का भी आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, तो होने के बाद वो बच्चा उनको दे देते हैं। एक तरह से उन्होंने क्या किया कि दूसरे फीमेल को एक तरह से कैद कर लिया, और कैद करने के बाद उनके यूट्रस में ग्रो होने के बाद और उनसे बच्चा को उन्होंने ले लिया, ठीक है। तो ये होता है सैरोगेट मदर, तो वो जो फीमेल है डैट इज सैरोगेट मदर, उसको सैरोगेट मदर बोलते हैं, जो इससे रिलेटेड था आपको समझना जरूरी था। तो ये हो गया हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी कॉन्सेप्ट, सैरोगेट मदर समझ ले। अब हम लोग समझेंगे प्रोसीज्योर के दौरान कौन कौन से चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। ओके, पहला पॉइंट यहाँ पे एक चीज़ समझ लेंगे कि जब एग्स को रिमूव किया जाता है फीमेल्स के फ्लोपियन ट्यूब से, जब एग्स को रिमूव किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ नीडल, तो बेहोश करके किया जाता है, उनको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है, दवा दिया जाता है ताकि वो बेहोश हो जाए और उनके एग्स को रिमूव किया जाता है। ओके, चलिए हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट्स रिगार्डिंग द टेस्ट ट्यूब बेबी। बात करते हैं कि ड्यूरिंग टेस्ट ट्यूब बेबी के जो दौरान जो होते हैं, जो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाता है डॉक्टर्स के द्वारा ड्यूरिंग टेस्ट ट्यूब ट्रीटमेंट के दौरान। जो प्रोसीजर है उसमें ब्लड टेस्ट लिए जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड टेस्ट लिया जाता है, वो तो कोई भी डिजीज़ होता है तो उसमें भी लिया जाता है, तो ब्लड टेस्ट नॉर्मली लिया जाता है कि जो सामने वाला बंदा है वो फिट है या नहीं है, या फिर मेल और फीमेल फिट है या नहीं है। ओके, स्कैन किया जाता है, स्कैनिंग के बाद हस्बैंड सेमन का टेस्ट किया जाता है, डैट इज़ थर्ड वन। नाउ द फोर्थ वन इज़ आफ्टर ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट के बाद डॉक्टर्स चेक द कैपेसिटी ऑफ एग प्रोड्यूस एंड स्कैन, ठीक है, जब ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट के बाद डॉक्टर चेक करते हैं कि चेक द कैपेसिटी ऑफ एग प्रोड्यूस इन द केस ऑफ फीमेल, और उसका स्कैनिंग भी किया जाता है, अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है। नाउ डे टू, जब डे टू आता है तो डे टू में क्या देखते हैं, गोनेडोट्रॉफिक इंजेक्शन, अगर सब कुछ ठीक रहा तो गोनेडोट्रॉफिक इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है फीमेल बॉडी के लिए। ओके, तो गोनेडोट्रॉफिक इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बाद डे फाइव आता है, इफ़ फॉलिकुल्स ग्रो वेल, अगर फॉलिकुल्स अच्छे से ग्रो हुआ है फीमेल बॉडी में डे फाइव में, देन एंटागोनिस्ट इंजेक्शन, देन डॉक्टर्स यूज द एंटागोनिस्ट इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, एंड स्कैन आफ्टर, जब वो एंटागोनिस्ट इंजेक्शन लगाते हैं तो उसके बाद 10 से 12 दिन के बाद, देन आफ्टर 10 to 12 days इफ एग ग्रो वेल देन इट कैन बी रिमूव, 10 से 12 दिन के बाद एग को क्या क्या होता है रिमूव कर लिया जाता है, ठीक है, इतना तक तो आपको समझ में आएगा, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ देन ट्रिगर इंजेक्शन बिफोर 34 to 36 hours, ठीक है, देन ट्रिगर इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है कब, जब एग्स को रिमूव करना होता है 34 से, जब एग प्रिपेयर्ड है, फॉलिकल्स के ग्रो अच्छे से हो चुके हैं, तो अगर 34 to 36 hours का ध्यान रखा जाता है डॉक्टर्स के द्वारा कि 34 से 36 घंटे पहले उनको क्या लगाया जाता है, ट्रिगर्स इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और ऑन द डे पिकअप,
जब एग को पिकअप करने का दिन आता है बाय द हेल्प ऑफ नीडल और विद वैक्यूम ट्यूब्स द एग्स रिमूव्स एंड प्लेस इन इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर में रखा जाता है, कितने टेम्परेचर में रखते हैं, दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें 37 डिग्री में रखा जाता है ताकि वो का जो वैल्यूएशन है वो खराब ना हो। दैट इज द फुल एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द टेस्ट ट्यूब बेबी इन केस ऑफ फीमेल। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे क्या क्या चीजों का इस्तेमाल किया गया। ब्लड टेस्ट, स्कैनिंग, हस्बैंड सेमेन टेस्ट। आफ्टर ब्लड टेस्ट डॉक्टर चेक द एग प्रोड्यूस एंड स्कैनिंग। डे टू गोनेडोट्रॉफिक इंजेक्शन लगाया जाता है डे टू में, अगर सारे डॉक्टर्स के प्रोसीजर जो है वो सही होते जा रहे हैं तो। डे टू कौन सा डे टू, मेंसुरेशन साइकिल का। यहाँ पे एक चीज देखेंगे, मेंसुरेशन साइकिल के डे टू में गोनेडोट्रॉफिक इंजेक्शन को लगाया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज डे फाइव। जब मेंसुरेशन साइकिल के डे फाइव आते हैं, डे फाइव में इफ फॉलिकल्स ग्रो वेल, अगर फीमेल बॉडी में फॉलिकल्स का ग्रो अच्छे से हो चुका है तो देन एंटागोनिस्ट इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। एंड स्कैन, उसके बाद स्कैनिंग करके 10 से 12 दिन के बाद, आफ्टर 10 टू 12 डेज इफ एग ग्रो वेल देन इट कैन बी रिमूव। 10 से 12 दिन के बाद एग्स को रिमूव कर लिया जाता है। देन ट्रीगर इंजेक्शन, ट्रिगर इंजेक्शन का यूज किया जाता है बिफोर 34 to 36 आवर, 34 से 36 घंटे पहले ट्रिगर इंजेक्शन लगा दिया जाता है। एंड ऑन द डे ऑफ पिकअप, ठीक है, जिस दिन एग को रिमूव करना होता है बाय नीडल्स के द्वारा या फिर वैक्यूम ट्यूब्स के द्वारा एग्स को रिमूव करते हैं एंड प्लेस कर देते हैं इनक्यूबेटर में। दैट इज द फुल एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द टेस्ट ट्यूब बेबी। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी चीजें बात समझ में नहीं आई है तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ओके, तो ये थे आपके काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, चाहे वो स्कूल्स के एग्जामिनेशन हो। क्लास 12th में भी ये टॉपिक आपको मिलेगा और क्लास 10th में भी मिलेगा, 9th में भी मिलेगा। ओके, और 8th में तो है ही। ओके, तो जो भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करेंगे, और जो भी आपके इसके अलावा भी जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं जो समझ में नहीं आए ऑब्वियसली आप पूछिए, और इसको आप अच्छे से कॉपी में लिख लेंगे और एक स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको लिखने में सुविधा हो। नाउ वी मूव टू अदर टॉपिक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।